जैन साथियों स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास नंबर करने वाले हैं 33। इससे पहले आपकी 32 क्लासेस हो गई हैं जिनका प्लेलिस्ट बना हुआ है ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप लोग क्लासेस प्रॉपर देखते रहिए और अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। हम लोग पिछले लेक्चर में पावर सिस्टम का पावर जनरेशन वाला चैप्टर कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 185 क्वेश्चन देख चुके थे। अब उससे आगे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द रिजर्व्ड ऑफ बायोगैस, मतलब कि जो हमारी बायोगैस बनती है या जो हमारे बायोगैस बनाने के लिए मटेरियल यूज किया जाता है उसका अवशेष क्या बचता है, उसका अवशेष क्या बचता है। जैसे ऐसे समझो कि कोयला को आप जलाते हो तो कोयले को जलाने के बाद कुछ अवशेष बनता है, उसे राख कहते हो आप। तो उसी तरीके से ये बोला है कि बायोगैस को यूज करने के बाद उसका अवशेष क्या बचता है आपके पास, तो उसका अवशेष घोल के मात्रा में या लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग स्लरी कहते हैं या फिर घोल कहते हैं, ठीक है ना, स्लरी कहते हैं या फिर घोल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है भाई। तो बायोगैस जो होता है ना हमारा, ये किसके बनता है, ये बायोगैस किसी एक गड्ढे में, जैसे मान लो ये हमारा एक बड़ा सा गड्ढा हो गया, इस गड्ढे में क्या करते हैं हम लोग, जानवरों के अवशेष को यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, जानवरों के अवशेष को यहाँ पे डालते हैं। और जब अवशेष को यहाँ पे डाला जाता है, कुछ दिन तक छोड़ दिया जाता है इसी में, तो इसमें कौन सी गैस बनने लगती है, मीथेन गैस बनने लगती है। और इसी मीथेन गैस का यूज करके हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, मीथेन गैस एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सोलर पैनल में बिजली उत्पादन कैसे किया जाता है। सोलर पावर प्लांट जो होते हैं हमारे, सोलर पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो भाई अर्धचालक का यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा अर्धचालक, तो सर सिलिकॉन का यूज करते हैं, किसका, सिलिकॉन का यूज करते हैं। सर इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक जो है वो होता है सर 14, कितना होता है सर 14 होता है, ठीक है। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है सर, तो ये कार्य करता है आपके फोटोवोल्टाइक सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। और सर इसमें कौन सी सेल यूज की जाती है, तो पीवी सेल यूज की जाती है। इसी पीवी सेल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी पीवी सेल को हम लोग सोलर सेल कहते हैं, ठीक है। तो जो यह इधर जानकारी लिखी जा रही है, इसे पेन पेपर लेके जरूर नोट करते रहिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। व्हाइल सनलाइट स्ट्राइक्स ग्लास पे सनलाइट के पड़ने से क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी गलत हो जाएगा क्योंकि निकिल प्लेट बोल रहा है, भाई हमें क्या चाहिए, हमें पीवी सेल चाहिए या हमारा सोलर प्लेट चाहिए या सोलर सेल चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ पे बात किया, ये डी ऑप्शन में बात किया, तो यहाँ पे डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। व्हाइल सनलाइट स्ट्राइक्स का मतलब क्या होता है, पड़ती है कहाँ पे, सोलर प्लेट पे या पीवी सेल पे पड़ती है, तब हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है आपसे कि एयर प्री हीटर का कार्य क्या होता है। देखो जो हमारा एयर प्री हीटर है ना, ये कहाँ पे लगा रहता है, जैसे यदि मैं बात कर लूँ इधर मैं बात करूं, तो जो हमारा एयर प्री हीटर है, देखो इधर होती है हमारी भट्टी, इधर क्या होती है, इधर कहीं हमारी होती है भट्टी, ये मान लो कि हमारी भट्टी है, ठीक है, भट्टी। ये कौन सा पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं। स्टीम पावर प्लांट में इस भट्टी में कोयला डाला जाता है, इस यहीं से कुछ दूर पहले ही आपका क्या लगा रहता है, एयर प्री हीटर लगा रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, एयर प्री हीटर जो है ये किसको गर्म करता है, इस भट्टी में जाने वाली हवा को गर्म करता है, हवा को गर्म करता है किसकी सहायता से भाई, फ्लू गैस का उपयोग करके। अब आप कहेंगे कि सर ये फ्लू गैस क्या है, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए, फ्लू गैस क्या है भाई। ऐसे समझो सीधी कि कहीं पे यदि आप आग जलाते हो तो उस आग का बहुत सारा हिस्सा चारों तरफ फैलता है, और जैसे आप ऐसे समझो कि आप गैस वाले चूल्हे पे खाना बना रहे हो, तो जो गैस जलाने से जो आपको दहन ऊर्जा मिलती है, क्या उस पूरे दहन ऊर्जा का आप उपयोग कर लेते हो, बिल्कुल नहीं। उसके आसपास में कुछ हीट आपको मिलती रहती है, जिसपे आप
ठंडी के दिनों में हाथ की सिकाई करते रहते हो, तो उन्हीं सभी गैसेस का या उन्हीं सभी स्टीम्स का उपयोग करके ये हवा को गर्म करता है, और उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, उन्हीं को कहते हैं फ्लू गैसेस। ठीक है, तो उसका उपयोग करके क्या करता है, हवा को गर्म करता है। कौन सी हवा को, जो भट्टी में दी जाती है कोयले को जलाने के लिए, उस हवा को ये गर्म करता है, एयर प्री हीटर। ठीक है, चलिए, हीट्स फीड वाटर। फीड वाटर को हीट करने के लिए क्या होता है भाई, फीड वाटर को हीट करने के लिए आपका लगा रहता है इकोनोमाइजर, जो क्या करता है फीड वाटर को हीट करता है। ठीक है, सप्लाइज हॉट वाटर टू। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हमारा, इसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, तो देखिए भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है ना हमारा, इसमें ईंधन के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें ईंधन के रूप में हमने आपको बताया था कि इसमें ईंधन के रूप में हम लोग या तो प्लूटोनियम का यूज करते हैं, प्लूटोनियम का यूज करते हैं, या फिर यूरेनियम का यूज करते हैं, यूरेनियम का, या फिर हम लोग किसका यूज करते हैं, थोरियम का यूज करते हैं, थोरियम का यूज करते हैं। ये सभी कैसे एलिमेंट है, ये सभी के सभी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रेडियो एक्टिव कहने का क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है, तो रेडियो एक्टिव का तात्पर्य होता है कि इसमें रेडिएशंस हैं, इसमें रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस, कौन कौन सी रेडिएशंस, आपकी अल्फा बीटा गामा, ये रेडिएशंस इसमें मौजूद हैं, इसमें मौजूद रहती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज बन जाता है, आप इन रेडिएशंस का निपटान करना आसान नहीं होता है। जैसे मान लो धुआं निकल रहा है तो उसका आप निपटान कर सकते हो, आग जला रहे उसका आप निपटान कर सकते हो, लेकिन ये जो रेडिएशंस निकल रहे हैं इसका निपटान करना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट का, और इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में डबल शील्डिंग की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जिसपे जिसमें डबल शील्डिंग की जाती है या दोहरा कवच होता है, तो वो होता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, दोहरा कवच किस लिए किया जाता है, क्योंकि इससे जो निकलने वाली रेडिएशन है वो आसपास की आबादी में या आसपास के जीव जंतुओं पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, और यदि इसको नहीं रोका गया तो समझ लो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो सकती है। ठीक है ना भाई, चलिए, स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का क्या काम होता है, जो हमारा इकोनोमाइजर है, इकोनोमाइजर का मुख्य कार्य ये होता है कि ये भी फ्लू गैस का उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है, फ्लू गैस का उपयोग करता है, और फ्लू गैस का उपयोग करके किसको वो गर्म करता है, ये फीड वाटर को गर्म करता है, फीड वाटर को गर्म करता है। ठीक है, फीड वाटर को गर्म करता है, ये होता है आपका इकोनोमाइजर, ये होता है आपका इकोनोमाइजर। तो यहाँ पे ऑप्शन एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने वाला क्या होता है, ये होता है हमारा बॉयलर। ठीक है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने वाला कौन सा डिवाइस होता है, वो हमारा बॉयलर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि हीट्स द एयर बाय फ्लू गैसेस, ये इसी का तो हमने अभी कुछ देर पहले किया है, ये किसका काम होता है, ये आपके एयर प्री हीटर का काम होता है, एयर प्री हीटर का काम होता है। ठीक है, हीट्स द फीड वाटर बाय द फ्लू गैसेस, ये किसका काम है, यही काम है आपके इकोनोमाइजर का, इकोनोमाइजर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद है ना, नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट, अरे नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका हो गया सोलर पावर प्लांट। ठीक है, फिर आपका हो गया टाइडल पावर प्लांट। फिर आपका हो गया विंड पावर प्लांट। ठीक है, फिर आपका हो गया एमएचडी पावर प्लांट। फिर आपका हो गया ओसीन थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ओसीन थर्मल पावर प्लांट, कई सारे पावर प्लांट होते हैं, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी नॉन कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल। और नॉन कन्वेंशनल वाले को और क्या कहते हैं, इन सभी को रेन्यूएबल भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जिनको खत्म नहीं किया, जिनके स्रोत को खत्म नहीं किया जा सकता। तो इनका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता, तो ये इसका सबसे बड़ा क्या हो जाता है, सबसे बड़ा इसका फायदा हो जाता है। ठीक है ना भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोला है कि चार्ज कंट्रोलर क्या होता है, What is the function of charge controller in battery based micro hydel power plant MHG या MHD power plant में जो हमारा charge controller है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो उसका मुख्य कार्य ये होता है कि जो हमारी बैटरी है उस बैटरी को ज्यादा चार्ज नहीं होने देता है। ठीक है, बैटरी को ज्यादा चार्ज होने से रोकता है या इससे सुरक्षा प्रदान करता है, यही मुख्य कार्य होता है आपके
चार्ज कंट्रोलर का, तो प्रिवेंट ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैराज इन टाइडल पावर प्लांट। देखो जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट था, हाइड्रो पावर प्लांट में आपने देखा था हाइड्रो पावर प्लांट में कि एक हमने ऐसे डैम बनाया था, क्या बनाया था, ऐसे ऐसे एक हमने डैम बनाया था जिस डैम का क्या काम था, जिस डैम का मुख्य कार्य था कि ये इधर अपने से इधर की तरफ पानी को रोक के रखता था, है ना, ये इधर पानी को रोक के रखता था, पानी को रोकता था। तो सेम उसी तरीके से आपके टाइडल पावर प्लांट में क्या होता है, सेम इसी तरीके से टाइडल पावर प्लांट में आपका बैराज होता है, बैराज, ठीक है। इस बैराज का क्या काम होता है, इसका काम होता है कि ये भी पानी जो टाइडल की वजह से, ज्वार की वजह से जो पानी आ जाता है एक बार इस टंकी में या इस बैराज में, उस पानी को निकलने नहीं देता, उस पानी को निकलने नहीं देता, ये स्टोर करके रखता है आपका बैराज, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। कंट्रोल द टाइडल वेव्स, टाइडल वेव्स को कंट्रोल नहीं करता है सर, क्या करता है, टैप द वाटर एट एंट्रेंस ऑफ गल्फ, यस, खाड़ी से प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करता है, खाड़ी से प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करता है, यही इसका मुख्य कार्य होता है आपके बैराज का, ठीक है। मतलब जैसे काम आपका डैम कर रहा था हाइड्रो पावर प्लांट में, एकदम उसी तरीके से आपका यहाँ पे टाइडल पावर प्लांट में आपका बैराज कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपोनेंट इन अ स्टीम पावर प्लांट इज यूज टू हीट द फीड वाटर फ्रॉम फ्लू गैस। फीड वाटर की सहायता, फीड वाटर को फ्लू गैस की सहायता से गर्म करने वाला डिवाइस कौन सा होता है, वो होता है आपका इकोनोमाइजर, वो होता है आपका इकोनोमाइजर। बॉयलर क्या होता है, तो ये करता है, ये कन्वर्ट करता है वाटर को किसमें, कन्वर्ट वाटर इंटू स्टीम, कन्वर्ट वाटर इंटू स्टीम, ठीक है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। सुपर हीटर का काम क्या होता है, ये जो हमारा सुपर हीटर होता है, ये वेट, यहाँ पे लिख लो कि कन्वर्ट वेट स्टीम इनटू ड्राई स्टीम, ठीक है। और जो हमारा एयर प्री हीटर हो, एयर प्री हीटर का क्या काम होता है भाई, ये हीट द इनपुट एयर बाय यूज ऑफ फ्लू गैसेस, ठीक है। तो फ्लू गैसेस का उपयोग करके ये इनपुट वाली एयर को क्या करता है, गर्म करता है, ये काम होता है आपके एयर प्री हीटर का। इकोनोमाइजर यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का काम क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है कि इट हैज हाई पावर डेंसिटी, ये इसका मुख्य एडवांटेज होता है आपके PWR का, ठीक है, इसके पास हायर डेंसिटी होती है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता होती है, अधिक रिलायबिलिटी किसके अंतर्गत होती है, तो अधिक रिलायबिलिटी हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखने को मिलता है। कहाँ पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमें अधिक रिलायबिलिटी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैस पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, किससे नुकसान पूछा है, यहाँ पे पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि जो हमारा कन्वेंशनल टाइप का पावर प्लांट है, कन्वेंशनल टाइप के पावर प्लांट कौन कौन से हैं, देख लीजिए एक बार यहाँ पे, कन्वेंशनल टाइप के आपके जो पावर प्लांट है वो कौन कौन से हैं। देखो आपके कन्वेंशनल टाइप में आ जाता है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, फिर आपका आ जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, फिर आपका आ जाता है डीजल पावर प्लांट, फिर आपका हाइड्रो पावर प्लांट, ये सभी क्या है, ये सभी आपके हैं कन्वेंशनल टाइप पावर प्लांट, ठीक है, या कन्वेंशनल पावर प्लांट। नॉन कन्वेंशनल हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि नॉन कन्वेंशनल में कौन कौन से आते हैं, तो यही पूछा है कि इन सभी की तुलना में आपका नॉन कन्वेंशनल का क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो देखो इन सभी को हम लोग एज अ बेस लोड, ये सभी जो हमारे पावर प्लांट है इनको हम लोग बेस लोड पावर प्लांट की तरह कार्य यूज करते हैं इन सभी का। लेकिन जो हमारा नॉन कन्वेंशनल टाइप का पावर प्लांट है उनमें से किसी का हम लोग बेस लोड की तरह यूज नहीं कर सकते, बेस लोड पावर प्लांट की तरह यूज
नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैन नॉट बी यूज फॉर बेस लोड डिमांड, बेस लोड डिमांड के हिसाब से हम लोग किसका यूज नहीं कर सकते, नॉन कन्वेंशनल टाइप के जितने भी हमारे पावर प्लांट है उनका, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मेजर एट डिसएडवांटेज ऑफ विंड पावर जनरेशन, जो हमारी इन विंड पावर जनरेशन है या विंड पावर प्लांट है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या बनता है? तो देखो, जो हमारा विंड पावर प्लांट है ये किसी ना किसी पहाड़ी एरिया में ही बनाया जाता है, ठीक है, पहाड़ी एरिया में बनाया जाता है, पहाड़ी एरिया या फिर समुद्र के किनारे, या फिर समुद्र के किनारे यहाँ पे इसको बनाया जाता है। अच्छा, ये मान लिए सर, ये क्यों सर पहाड़ी एरिया में या समुद्र के किनारे ही बनाया जाता है? क्योंकि इसे चलने के लिए क्या चाहिए, इसे चलने के लिए या इसमें ईंधन के रूप में क्या यूज होता है, इसमें इसमें ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में हवा, हवा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब हवा चलेगी उपयोग किया जाता है, जब हवा चलेगी तभी जाके हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और यदि हवा नहीं चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो विंड पावर प्लांट को चलने के लिए कौन, क्या हमें जरूरत, किस चीज की जरूरत है, कंटिन्यूअस एयर की जरूरत है, कंटिन्यूअस एयर मिलनी चाहिए। और आप बताइए कि क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि आपको हमेशा लगातार एक तरह से हवा मिलती रहे या एक स्पीड से आपको हवा मिलती रहे, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट का, कि इसमें हमें कंटिन्यूअस कोई हवा नहीं मिलती है, तो ये सबसे बड़ा क्या बन जाता है, डिसएडवांटेज बन जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, पॉल्यूशन इफेक्ट इज मोर, भाई इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, जो हमारा विंड पावर प्लांट है इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। रिक्वायर हाई टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, बिल्कुल नहीं, इसके अंतर्गत तो केवल हमारा एक सिंक्रोनस मोटर लगा रहता है और एक आपका इंडक्शन मोटर लगा रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लांट इंस्टॉलेशन मोर कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर जो ब्लेड्स लगे रहते हैं ना, इसकी जो पत्तियां लगी रहती है लगभग 100 मीटर तक बड़ी हो सकती, ठीक है, 100 फुट तक बड़ी हो सकती है, 100 से 120 फुट तक उनकी लंबाई हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो टावर उसमें बनाया जाता है वो टावर थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए या ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसे इतने बड़े ब्लेड्स को चलाना है या इतने बड़े पत्तियों को चलाना है, ठीक है। चलिए, विंड पावर इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड स्टेडी स्टेट, जो हमारा विंड पावर प्लांट है ये कॉन्स्टेंट नहीं है स्टडी स्टेट नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट बनेगा इस ऑप्शन के लिए, ठीक है भाई। चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। जोरी शक्ति उत्पादन में टरबाइन का कार्य क्या है, टरबाइन का मुख्य कार्य क्या होता है? देखो, जो हमारी टरबाइन है ना, टरबाइन के हिसाब से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि मतलब जो हमारा टरबाइन है उस टरबाइन पे इनपुट में हमें क्या मिल रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस पावर प्लांट का क्या नाम है। जैसे कि यदि टरबाइन के प्लेट्स पे या टरबाइन के ब्लेड्स पे आके क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है, यदि टरबाइन के इनपुट में आके पानी गिर रहा है, इसके बाद टरबाइन क्या कर रही है, इसके बाद टरबाइन हमें मैकेनिकल एनर्जी दे रही है, तो इसका मतलब है कि इस पावर प्लांट का क्या नाम हो जाएगा, इस पावर प्लांट का नाम हो जाएगा हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। क्यों? क्योंकि इसका जो इनपुट साइड है, इनपुट कहां से चल रहा है, वो चल रहा है पानी की वजह से, वाटर की वजह से चल रहा है, ठीक है। अच्छा, जब ये स्टीम से चलने लगे, जब ये हमारी टरबाइन स्टीम से चलने लगे, उस समय इसका क्या नाम बनेगा, तो उस समय इसका नाम बन जाएगा स्टीम पावर प्लांट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, ये बस इतना कर रहा है कि जैसे जो हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है भाई, पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, उस स्थितिज ऊर्जा को क्या किया जाता है, ले जाके कहां पे गिराया जाता है, टर्बाइन्स के ब्लेड पे, टर्बाइन्स के ब्लेड पे जब गिरता है तो उस स्थितिज ऊर्जा को टर्बाइन किस में कन्वर्ट करती है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, या ऐसा कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। स्टीम भी जब जाके टर्बाइन के ब्लेड पे गिरता है तो क्या होता है, स्टीम जब बहुत तेजी से जाके टर्बाइन के ब्लेड पे गिरता है तो उन स्टीम के घूमने, स्टीम के गिरने की वजह से टर्बाइन का ब्लेड घूमने लगता है, टरबाइन का ब्लेड घूमेगा तो फिर कौन सी ऊर्जा जनरेट होगी, वहां पे काइनेटिक एनर्जी या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारा टरबाइन है ये क्या कर रहा है, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है उस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो यही मुख्य कार्य बन जाता है आपका, किसका,
टर्बाइन का, ठीक है। तो कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे बी ऑप्शन दिख रहा है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। एक एक ऑप्शन भी देख लेते हैं थोड़ा सा, प्रिवेंट वाटर फ्लो टू अदर पार्ट्स ऑफ डैम, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गया, ठीक है। कीप द वाटर फ्लो फ्रॉम लो टू हाई, फ्रॉम लो टू हाई ये तो अलग ही कुछ बोल रहा है, हाई टू लो के लिए हमारा पेन स्टॉक यूज होता है, ये लो टू हाई बोल रहा है ना, कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे बी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।